Asif Nagar police arrested two accused in ATM theft case and recovered one bike and three cell phones. A.R. Srinivas addressing press meet. ACP और उनके जो इंस्पेक्टर है रविंदर और डिप्टी इंस्पेक्टर श्रीनिवास और उनके पूरा जो टीम है वो पूरा इसको वर्कआउट करे और पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद दो लोगों को अरेस्ट किया गया है. उसमें एक का नाम है खालिद कमाल अहमद और दूसरा मोहम्मद रियाज. ये दो लोग, एक में इसमें ड्राइवर है, दूसरा पीओपी का काम करता है. ये चंद महीनों से इनका मतलब काम छोड़ के ये इस तरह के मतलब पैसे खर्च करके इस तरह के बैड हैबिट्स को ये लोग इसमें इन्वॉल्व होके अटेम्प्ट करने के बाद ये फेल हुआ. ये अटेम्प्ट ये पूरा एटीएम को डैमेज करके पूरा उसमें जितना भी पैसा है उसको चोरी करने का कोशिश करे. लेकिन एटीएम ऐसा मशीन है, ये टैम्पर प्रूफ मशीन है, इसमें से कोई भी आदमी चोरी नहीं कर सकता. ये इनको नहीं मालूम था, अटेम्प्ट करे, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल होने के बावजूद ये लोग समझे कि नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सीसी कैमरा है उसको भी डैमेज करने की कोशिश करे. वो डैमेज करे सीसी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन हर एक एटीएम में एक कंसील कैमरा रहता है, वो उस कैमरा के जरिए पूरा रिकॉर्डिंग हुआ, उनका फेस क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ. उसके बावजूद ये लोग ऐसे हमारे सीसी फुटेजेस के आधार से और जो सेलफोन ट्रैकिंग है उनके सेलफोन और थोड़े और एविडेंस साइंटिफिक एविडेंस बेसिस पे ये इनको आइडेंटिफाई करके ये दो लोगों को अरेस्ट करे, इनको आज रिमांड करे. इसमें पूरा ये जो काम करे हमारे एसीपी और उनके इंस्पेक्टर पूरे टीम्स को हम लोग कंग्रेचुलेट करें और उनको पूरा डेफिनेटली इस केस अच्छा केस डिटेक्ट करने के लिए रिवॉर्ड भी दे रहे हैं. सर बीच में कुछ दिन पहले पुलिस बोल रहे कि एटीएम हरेक एटीएम में एक सिक्योरिटी गार्ड रखने का, हरेक बैंक को नोटिस भी सर्व करे. ऑलरेडी सबको इन्फॉर्मेशन दिए कि पूरे सीपी लेवल सीपी हैदराबाद सीपी साहब के लेवल में भी एक मीटिंग हुआ, उसमें भी सीपी साहब बताए कि हरेक बैंक को जो भी एटीएम अटैच है या इंडिपेंडेंट हो या बैंक के इमीडिएटली अटैच जो भी एटीएम है हरेक में गार्ड रहना. ज्यादातर बड़े एटीएम्स में गार्ड्स है लेकिन कई एटीएम्स भी अनमैन्ड है. अनमैन्ड इस वजह है कि वो लोग बोलते हैं कि मैन पावर का शॉर्टेज है, उनके जो बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं रख रहे. लेकिन जिधर नहीं है एटीएम्स, हमारे जो पेट्रोलिंग टीम्स है बीसीज है हमारे पेट्रोल टीम्स है, ये लोग डेफिनेटली विजिट करते. हम हमारे पूरे पेट्रोलिंग टीम्स को भी बोले कि हर एटीएम को टच करना. लेकिन ऐसे थोड़े एटीएम्स है अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस का मूवमेंट नहीं है, वो जब इमीडिएटली पेट्रोलिंग टीम वहां से आके गुजर गया उसके बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते. ये बहुत महीनों के बाद ये एक अटेम्प्ट किसी ने कोशिश किया. लेकिन कैनरा बैंक की तरफ को भी नोटिस दी गई सर, सिक्योरिटी गार्ड. हाँ अभी देते, नोटिस नहीं दिया, अभी एक नोटिस देते कैनरा बैंक को भी.